नमस्कार, मैं अमय कुरैशी, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदिरानगर में आयोजित की गई बसंत पंचमी का कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। तमाम एनजीओ में काम कर रही महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में घरेलू महिलाओं की मुख्य रूप से रही भूमिका, काम कर रही महिलाओं ने समाज में रह रही महिलाओं को दिया संदेश, घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम कर सकती हैं महिलाएं, परिवार को ध्यान रखते रखते देश का भी ध्यान रख सकती हैं महिलाएं। एनजीओ की तमाम महिलाओं ने कोविड-19 के समय वितरण किया था खाना कंबल गरीबों में। आज के समय में महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं पुरुषों के साथ। देखिए लखनऊ से दीपक सैनी की रिपोर्ट। किन किन क्षेत्रों में महिलाओं ने काम किया? सभी महिलाएं हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, या कोई सोशल वर्कर है, किसी का गृह उद्योग है, कोई बुटीक चलाती हैं, इस तरह के विभिन्न कार्यों में जो भी अपना अच्छा कार्य कर रही हैं, हमने उन महिलाओं को सरस्वती सम्मान के लिए चुना है। लगभग कितनी महिलाएं यहाँ पर? लगभग यहाँ 50 महिलाएँ यहाँ पर हैं। ये जो आयोजन है ये हर साल हम लोग करते हैं रत्नागिरि सेवा संस्थान के द्वारा। बसंत उत्सव लगभग 2 सालों से हम लोग मना रहे हैं। हम लोग का मेन मोटिव यही है कि सब तो वैलेंटाइन मनाते हैं लेकिन लोग अपनी कल्चर और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आप बिल्कुल वैलेंटाइन मनाइए, लेकिन बसंत पंचमी भी आपका त्यौहार है, उससे भी मनाइए। और जब हमने पिछले वर्ष इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो इस बार लोगों ने काफ़ी इसके लिए जागरूकता दिखाई है और काफ़ी लोगों ने इस आयोजन को रखा है। हमारे बीच में शक्ति जी हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने 2 शब्द आपको बताएँ। पाश्चात्य संस्कृति इन दिनों बहुत हावी रहती है, क्रिसमस डे से लेकर वैलेंटाइन डे तक। तो उस वक्त हमारा बसंत पंचमी का त्यौहार आता है जो थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है। तो हमारी संस्था द्वारा, क्योंकि हमारी संस्था वैसे भी पर्यावरण को जागरूक करती है और प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी ये सोच है कि हमें अपने त्यौहार, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना पहले ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हमने बसंत पंचमी का उत्सव, बसंत उत्सव मनाना शुरू कर दिया। और ये जानकर कि पिछले साल जो हमने पहली बार बसंत उत्सव का आयोजन किया था, इस साल कई संस्थान हैं जो बसंत उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, और इसी में हमें अपनी जीत नज़र आती है कि लोगों ने संस्कृति को पहचाना, परखा और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन संस्थानों का जो इस बात को समझ रही हैं और अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं।